Hey guys, welcome back to once again our new video. आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा अप्रैल के इवेंट के बारे में. आपको कौन कौन से पोकेमोन रेड में देखने को मिलेंगे, मेगा में देखने को मिलेंगे, स्पॉटलाइट आवर के बारे में बात करेंगे एंड कम्युनिटी डे के बारे में बात करेंगे, ब्रेक थ्रू रिसर्च के बारे में बात करेंगे एंड इवेंट कौन कौन से होंगे उसके बारे में भी बात करेंगे, फ्री में क्या मिलने वाला है उसके बारे में भी बात करूँगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो. सबसे पहले बात करते हैं गाइस शैडो जेबडस के बारे में. तो जैसा कि आप लोगों को पता है आर्टिकुनो अभी मिल रहा है द फ्लाई द हायर द फ्लाई के थ्रू स्पेशल रिसर्च में. अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया तो कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि जेबडस मिलने वाला गाइस शैडो जेबडस आपको अप्रैल में सुपर रॉकेट रडार के थ्रू एंड आपको वही टीम गो रॉकेट का स्पेशल रिसर्च कंप्लीट करना है. सेम रिसर्च होगा आप जानते हैं, इसमें कोई बस ये है पोकेमोन चेंज हो जाते हैं, आपको आर्टिकुनो की जगह जेबडस मिलेगा. रिसर्च सेम रहने वाला है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है होने वाला, बस इजीली वही सारे काम करने हैं जो आपने आर्टिकुनो के लिए टास्क में कंप्लीट किए थे. अब बात करते हैं गाइस ब्रेक थ्रू रिसर्च के बारे में. तो आपको गाइस फ्री लिस्ट देखने को मिलेगा एंड फ्री लिस्ट आपको मिलेगा गाइस मेल फ्री लिस्ट मिलेगा ब्रेक थ्रू रिसर्च के को कंप्लीट करने पे. इस समय गिवल मिल रहा है अप्रैल 1 से मई तक चलेगा, ठीक है. अब बात करते हैं गाइस 5 स्टार रेड में जो पोकेमोन आने वाले हैं उसके बारे में. तो गाइस इस समय हमें थंडरस देख रहे हैं, थेरियन फॉर्म ऑफ थंडरस मिल रहा है रेड में, बट टॉर्नेडस मिलेगा आपको 30 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक, पूरा 2 वीक्स चलने वाला है थेरियन फॉर्म ऑफ टॉर्नेडस. पहले बोल दे रहा हूँ साइनी में अवेलेबल नहीं है. उसके बाद आपको गाइस थेरियन फॉर्म ऑफ लैंड्यूरस देखने को मिलेगा. लैंड्यूरस का थेरियन फॉर्म ये नॉर्मल एंसरनेट फॉर्म. तो आपको गाइस ये 13 अप्रैल से 27 अप्रैल तक देखने को मिलेगा. ये भी 14 कंटिन्यूसली 2 वीक चलने वाला है. मैं जानता हूँ आप लोग बोर हो जाओगे ये भी, क्योंकि साइनी में अवेलेबल नहीं है. उससे भी बोरियत की बात एक और बात बता दूं गाइस, थंडरस लैंड्यूरस एंड टॉर्नेडस नॉर्मल फॉर्म वाले आपको मिलेंगे देखने को इंसर्नेट फॉर्म अप्रैल 27 से एंड वही लकी रहे साइनी मिलेगा. बट ऑलरेडी हमने ये देख रखे हैं तो ये दोबारा लाने का कोई फ़ायदा नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं बन रहा था यार, फिर भी कंपनी को क्या कहें, दुख पहुंचता है ऐसे ना करें, कुछ अलग दे देते तो क्या चला जाता उनका, बट क्या कर सकते गाइस यही मिलने वाले हैं आपको. अब बात करता हूँ गाइस मेगा के बारे में. तो मेगा हॉन्ड्यू मेगा मैनेक्ट्रिक एंड मेगा एब मैशनो आपको रेड में देखने को मिलेगा 4 अप्रैल तक में एंड एक सरप्राइज मेगा इवॉल्व पोकेमोन आने वाला है, उसके बारे में डिटेल अभी पता नहीं है. मे भी कौन होगा मैं भी नहीं जानता इसके बारे में एंड गेस करके बताइएगा इस मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है कौन सा पोकेमोन आएगा. अब बात करता हूँ गाइस मेगा गैंगार एंड मेगा मैनेक्ट्रिक आपको 5 अप्रैल के बाद देखने को मिलेंगे, 5 अप्रैल से आपको देखने को मिलेंगे 20 अप्रैल तक एंड वो जो साथ में आने वाले सरप्राइज पोकेमोन वो भी एंड मेगा विनसॉर एंड मेगा मैशनो आपको रेड में देखने को मिलेंगे 20 अप्रैल से 10 AM से लेके एंड चलते रहेगा जब तक मई का इवेंट नहीं पता चल जाता तब तक. स्पॉटलाइट आवर के बारे में बात बताएंगे लेकिन उससे पहले रेड आवर के बारे में बात कर लें. वेडनेसडे को रेड आवर रहेगा, जैसा कि जानते हो हमेशा वेडनेसडे को ही रहता है 6 PM टू 7 PM एक घंटे चलेगा, एक्स्ट्रा XP मिलेंगे ही
सीजन ऑफ लेजेंड के दौरान मिलेगा सिर्फ, एंड नेक्स्ट सीजन जो आएगा उसके बारे में तो देखते क्या होता है। अप्रैल 6 को गाइस बुनेरी का स्पॉटलाइट आवर है, ट्वाइस कैंडी मिलेगा ट्रांसफर करने पे। अप्रैल 13 से आपको मैन के देखने को मिलेंगे, मैन के स्पॉटलाइट आवर रहेगा ट्वाइस एक्सपी, इसको भी कैच करने सॉरी इवॉल्व करने पे आपको ट्वाइस एक्सपी मिलेगा। एंड अप्रैल 20 को आपको ग्रीमर देखने को मिल जाएगा गाइज स्पॉटलाइट आवर के दौरान में, एंड स्टारडस्ट मिलेगा कैच करने पे। फिर फिनियन मिलेगा आपको अप्रैल 27 को, मेरे पे था मैंने उसे ट्रांसफ़र कर दिया। ओके सो ट्वाइस एक्सपी कैच का है, कैच कीजिए एंड मिल जाएगा आपको। अब बात करते हैं गाइज एक कम्युनिटी डे के बारे में, स्नेवी के बारे में, स्नेवी नहीं है मेरे पे उसका नेक्स्ट फॉर्म होगा, चेक करते हैं। ओके सर्वाइन। ओके गाइज तो आपको कम्युनिटी डे आप लोगों को कई उसका पता होगा ऑलरेडी कि स्नेवी है, इवॉल्व करेंगे तो आप सरपीरियर में तो आपको फ्रेंजी प्लांट देखने को मिल जाएगा एक्सक्लूसिव मूव। एंड बात करते हैं गाइस टीम गो रॉकेट टीम रिसर्च आपको मिलेगा अप्रैल 1 से अप्रैल 8 तक। एंड स्प्रिंग इन जो रिसर्च है गाइस ये इवेंट जो आ रहे हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। टीम गो रॉकेट टीम रिसर्च मिलने वाला है अप्रैल 1 से अप्रैल 8 तक। एंड स्प्रिंग इनटू स्प्रिंग मिलेगा आपको, सीजन है इवेंट है ये अप्रैल 4 से अप्रैल 8 तक। आपको इसमें चैंसी ब्लीजी एंड हैपनी आपको देखने को मिल जाएंगे, फ्लावर टाइप फ्लावर क्रॉन्स पोकेमोन बोला जाता है इन्हें, ठीक है। राइवल्स वीक स्टार्ट हो जाएगा आपको 13 अप्रैल से 18 अप्रैल तक। एंड इस दौरान में कुछ और पोकेमोन डेब्यू करने वाले हैं। सस्टेनेबिलिटी वीक भी स्टार्ट होगा 20 अप्रैल से 25 वीक तक चलेगा ये सस्टेनेबिलिटी वीक। इसमें ग्रीमर ट्रेविस एंड और भी कई सारे पोकेमोन आपको वाइल्ड में देखने को मिलेंगे। फ्रेंडशिप डे सैटरडे 24 अप्रैल मिलेगा अभी। ओके फ्रेंडशिप विद अ ब्रांड न्यू इवेंट, यहाँ पे कुछ तो अलग होगा, फ्रेंडशिप के बारे में बात कर रहे हैं आप, बताइए क्या अलग हो सकता है, क्या आपको लगता है। अब मैं बात कर लेता हूँ गाइज अप्रैल के एंड में स्नैपी इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, उसका डिटेल अभी दिए नहीं है, ठीक है उसका डिटेल अभी नहीं है। वीकली फ्री बंडल की बात कर ले तो वही मंडे को आपको एक बंडल मिलेगा फ्री में जो रिमोट रेड पास के साथ एंड कुछ अलग अलग आइटम मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें शेयर करें चैनल को कर ले सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बिकॉज कनेक्टिंग इज इम्पोर्टेंट डेफिनेटली। तो गाइज मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून एट नेक्स्ट वीडियो।